प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तुला और कर्क का स्वभाव लगभग एक जैसा होता है और तुला वाले उसके साथ भी रिश्ते बना लेते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये खुद होंगे 40 साल के, इनके मित्र होंगे 20 साल के। तो तुला वालों के साथ ये है कि ये रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं और अपना नुकसान सहकर भी रिश्ते निभाते हैं। तुला की अगर बात करें तो आपके ननिहाल का जो रिश्ता है और ननिहाल के जो सारे रिश्ते हैं, मामा, मौसी, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपको जीवन में सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर आप अपने ननिहाल पक्ष पर ध्यान नहीं देते, ननिहाल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते तो जीवन में अपयश के शिकार होंगे, जीवन में बेवजह की बदनामी होगी और बेवजह के कर्जे आपको परेशान करेंगे। इसलिए अपने ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर रखिए। ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर रखेंगे तो एक फायदा और होगा, वो ये है कि आपका भाग्य आपका साथ ज्यादा देगा। तो तुला वाले वैसे तो जुड़े रहते हैं लेकिन ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर बनाने का प्रयास करें। और अगर आपकी राशि तुला है, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके नजदीकी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो भगवान शनि की आराधना करें। कम से कम रोज शाम को 108 बार अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को रिश्तों से बड़ा धोखा, बड़ा झटका जीवन में जरूर मिलता है और अक्सर वृश्चिक वाले लव अफेयर के मामले में फेल होते हैं, इसीलिए कभी कभी आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, ज़्यादा रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा वृश्चिक वालों को कि जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं, आपकी पत्नी हैं, पुत्री हैं, आपकी माता हैं, आपकी मौसी हैं, आपके कोई ऑफिस की महिला सहयोगी है, ये तमाम रिश्ते आपके लिए बेहतर होंगे। खास तौर से माँ या बेटी के साथ का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप जीवन में स्त्री पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे, फीमेल साइड ऑफ रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसीलिए आप जो जीवन के महिलाओं वाले रिश्ते हैं उनको निभाने और चलाने का पूरा प्रयास करिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, तो हर शनिवार को अन्न का दान करना, खाने पीने की चीजों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि। देखिए धनु राशि वालों का स्वभाव भी लगभग सिंह जैसा कि जिस पर एक बार रिलाई कर लिया, भरोसा कर लिया, वो निभाते हैं। धनु राशि के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब मिड एज में पहुंचते हैं तो कभी कभी उल्टे सीधे रिश्ते इनके जीवन में बन जाते हैं या ये गलत रिश्तों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर निभाने के चक्कर में मुश्किल में आ जाते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करें तो पिता का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद आपके पुत्र का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनु राशि वालों को अपने पिता के साथ रिश्तों को हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर पुत्र है तो पुत्र के साथ, अगर पुत्री है तो पुत्री के साथ संबंध बेहतर निभाएं। इस रिश्ते को अगर आप नहीं संभालते, पिता के साथ, पुत्र या संतान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते, तो जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा होगा, संघर्ष की स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी।
अगर रिश्तों को लेके जीवन में तनाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, रिश्ते टूट रहे हैं, जैसे धनु वालों की साढ़े साती का जो इम्पैक्ट है इस समय वो इनके रिश्तों को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, तो अगर आप रिश्तों को ठीक रखना चाहते हैं तो केले के पौधे की जड़ में नियमित रूप से अगर आप जल डालें तो आपके रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।